हाय गाइस, ये है रॉयल एनफील्ड का शोरूम और आज हम यहाँ प्राइस लिस्ट करने नहीं आए हैं। नो, दैट्स समवट बोरिंग स्टफ। आज हम यहाँ कुछ ज्यादा एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करने आए हैं। सो लेट्स जस्ट गेट इट। ऐसे दिखना चाहिए एक प्रोटेक्टेड राइडर, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर, और इस तरह से आप लोग राइड करते हो व्हेन यू आर अ बिगिनर। तो लेट मी शो यू कि आप कैसे अपने लिए बिगिनर राइडिंग गियर्स खरीद सकते हो बजट के अंदर और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सो स्टे ट्यून्ड। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सभी बिगिनर राइडिंग गियर्स के बारे में। तो मतलब ये कि आपको अपना पहला पैसा किस तरह के राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के हेलमेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह की राइडिंग जैकेट पे, राइडिंग पैंट्स पे, ग्लव्स पे एंड बूट्स पे। और इससे पहले कि आप लोग मुझे ये बोलो कि रॉयल एनफील्ड ने मुझे स्पॉन्सर किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो मुझे लगा, जहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स अच्छे से दे सकता हूँ, बिकॉज दे हैव अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ राइडिंग गियर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी के बारे में, हेलमेट्स, जो कि आपके सर को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। एंड यस, यू गाइस हर्ड इट राइट, तीसरी, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट भी दो और चीजें होती हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा, बट ये क्योंकि मैंडेटरी चीज है इसको पहले फिनिश करते हैं। दीज आर द थ्री टाइप ऑफ हेलमेट जो कि आपको मार्केट में मिलेंगे। एक है ओपन फेस, फुल फेस एंड मॉड्यूलर। नाउ अब अगर आपको पुलिस के चालान से बचना है और सिर्फ हेड की प्रोटेक्शन करनी है तो चूज द ओपन फेस वन, क्योंकि ये आपके हेड को तो प्रोटेक्ट कर लेगा काफी अच्छे से, लेकिन आपके सुंदर से मुखड़े को नहीं कर पाएगा। आए हाय, नजर ना लगे तुझे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको इस जैसा कंफर्ट चाहिए और टाइम टाइम पे आपके फेस के लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो चूज द मॉड्यूलर वन, क्योंकि ये हेलमेट आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट भी कर लेगा एंड विल ऑल्सो प्रोटेक्ट योर फेस टाइम टू टाइम। बट ये सब चीजें सिर्फ थियरी में अच्छी लगती है, बिकॉज ये जो हेलमेट्स होते हैं वो नॉर्मली ओपन फेस हेलमेट से काफी हैवी होते हैं, तो कंफर्टेबल भी उतने नहीं होते एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन भी फुल फेस हेलमेट जितनी नहीं प्रोवाइड करते, तो सेफ भी उतने नहीं होते। द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन हैव फॉर योरसेल्फ इज द फुल फेस हेलमेट। चूज वन एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड from any kind of injury to your head and your face. After all, सिर्फ दिमाग बचा के क्या करोगे, शक्ल भी तो दिखनी चाहिए ना। हेलमेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है। कमेंट में जाके यस लिखो अगर आपको इस पे एक डिफरेंट वीडियो चाहिए तो। Now meanwhile, here are the main points जो कि आपको अपने लिए अच्छा हेलमेट चूज करते हुए ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, मोस्टली हेलमेट आपको ISI मार्क मिलेंगे, और वो इसलिए क्योंकि इंडिया में ISI सर्टिफाई होना इज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज वो हेलमेट इलीगल होगा। बट अगर आपको सेफ्टी को और इम्प्रूव करना है, देन यू शुड गो फॉर DOT। ये है, आई डोंट नो इट इज विजिबल और नॉट, बट DOT। और अगर आपको उससे भी ज्यादा सेफ जाना है, देन यू कैन गो फॉर द यूरोपियन स्टैंडर्ड EC। एंड EC में आपको 22.05 भी मिलेगा एंड 22.06 भी मिलेगा। नाउ 22.06 इज एक्सपेंसिव, क्योंकि वो आपको रोटेशनल फोर्सेस से भी प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, हमेशा ट्राई करना कि जो आपके हेलमेट का शेल है वो ABS से बना हो, ना कि थर्मोप्लास्टिक से, बिकॉज ABS इज बेटर। थर्ड, गो फॉर द रिमूवेबल इनर लाइनिंग्स, क्योंकि आप इसको टाइम टाइम पे धो भी पाओगे और आप बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्टेड रहोगे। एंड सेकंडली, जब आपकी ये इनर लाइनिंग्स अनसेफ हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ योर हेलमेट, तो आप इनको एक बार रिप्लेस भी कर सकते हो। एंड फोर्थ, चूज अ हेलमेट जो कि आपको प्रॉपरली फिट हो, मतलब जैसे ये इसमें हिल रहा है ना, ऐसे हिलना नहीं चाहिए। और अच्छा होगा कि अगर आपको DD स्ट्रैप मिल जाए तो, जिससे आपको रेस ट्रैक पे भी एक्सेस मिल सकता है। एंड इट शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड एंड जो वाइजर है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो ऑलवेज चूज अ फुल फेस हेलमेट, क्योंकि फुल फेस हेलमेट आपके इस जान से मुखड़े को और आपके टकले को दोनों को बचा के रखेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइडिंग गियर जो आपको लेना चाहिए वो है बूट्स, बिकॉज एज द रिसर्च शोज सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है बिगिनर राइडर्स को वो उनके पैरों पे होती है। वॉच दिस क्लिप एंड यू विल अंडरस्टैंड। नाउ यूजुअली मार्केट में आपको दो तरह के और एक्चुअली काफी तरह के बूट्स मिलेंगे, बट दीज आर द टू जो कि मेन स्ट्रीम है। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हो, आप अपने एंकल को प्रोटेक्ट कर दोगे, बट दिस इज नॉट व्हाट आई विल रिकमेंड। अगर आप बिगिनर हो और आपके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है, देन इट इज बेटर कि आप अपना पैसा इस तरह के बूट्स पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये बूट्स ना सिर्फ आपके एंकल्स को बचाएंगे, बट इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट योर काव मसल्स इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, विच आई होप कि आपके साथ कभी ना हो। नाउ ये तो हो गई बेसिक प्रोटेक्शन, बट हेयर आर सम ऑफ द अदर थिंग्स जो कि आपको अपने बूट में देखनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्मली आपको TPU मिलेगा, सो दैट कभी अगर बाइक यहाँ फॉल हो तो इट विल प्रोटेक्ट योर टोज एंड फिंगर्स। यहाँ पे भी आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलेगी, ताकि अगर बाइक कभी यहाँ पे फॉल हो तो इट विल प्रोटेक्ट योर काव्स एंड ऑल दोज थिंग्स। साथ में यहाँ पे आपको एक स्पेशल पैच मिलता है जो कि आप यूज करते हो गियर शिफ्ट करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और फीचर जो कि आप अपने राइडिंग बूट्स में आस्क कर सकते हो, वो है का वाटरप्रूफ होना। नाउ दीज बूट्स आर गुड फॉर हाईवे क्रूजिंग, लेकिन अगर आप एक ऑफ रोड एंथुसियास्ट हो ना, तो दीज आर द बूट्स जो आपको चूज करने चाहिए। दैट्स बिकॉज इनमें जो प्रोटेक्शन लेवल है वो बेटर हो जाती है। एंड एज यू नो कि ऑफ रोडिंग के टाइम पे नॉर्मली जो राइडर है ना वो गिरता जाता है, स्पेशली इफ यू कंसिडर जो ट्रैक और ट्रायल्स होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, देन दीज विल प्रोटेक्ट यू इन सच इंसिडेंट्स। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसपे एक राइडर को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आर योर हैंड्स प्रोटेक्शन।
ग्लव्स ना, वैसे तो मार्केट में आपको बहुत तरह के ग्लव्स मिलेंगे, लेकिन एक अच्छे ग्लव्स की ना कुछ पहचान होती है। लेट मी शो यू, ये एक अच्छा पीस ऑफ ग्लव है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पाम प्रोटेक्शन मिल रही है। दिस इज अ वेरी मस्ट थिंग जो कि आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज लेट मी शो यू दिस थिंग कि एक इवेंट ऑफ क्रैश में जब मैं गिरूंगा तो सबसे पहले मेरा हाथ रोड सरफेस को टच करता है, जिससे अगर यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी तो ये पूरा का पूरा छिल जाएगा, एंड उसमें कितना पेन होगा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंड कंडीशन में ये हो सकता है, एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उंगलियाँ टूट जाएंगी। और इसीलिए एक अच्छे ग्लव की पहचान होती है कि उसमें आपको पाम और नकल दोनों की प्रोटेक्शन मिले, जैसे कि यहाँ पे है हार्ड नकल प्रोटेक्शन, ताकि जब आप नीचे गिरो तो आपकी नकल्स प्रोटेक्टेड रहें, फिंगर प्रोटेक्शन ताकि आपकी फिंगर्स ना छिले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पाम प्रोटेक्शन, एंड जो आजकल की नई एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है, फिंगर में टच रिस्पॉन्स के लिए टच सेंसिटिविटी, सो दैट यू कैन यूज योर GPS नेविगेशन एंड अदर थिंग्स। और अब आ जाते हैं चौथी और पांचवी चीज पे। नाउ उसमें से पांचवी ऐसी है जिसको आप ओकेजनली स्किप कर सकते हो, लेकिन चौथी चीज को यानी कि जैकेट्स को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। एंड यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज टाइप ऑफ जैकेट। यस, दीज लुक फैंसी। आप जहाँ भी जाओगे किसी भी बाइकर मीट में या फिर राइड में, तो यस आपका रोला जमा देंगी ये जैकेट। एंड दीज आर राइड फ्रॉम द पर्सनल कलेक्शन ऑफ सिद्धार्थ लाल, बट दीज आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट, एंड दीज विल। सो चूज दिस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है जो कि आपको इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट प्रोटेक्ट करेगी। लेट मी जस्ट वेयर इट फॉर यू गाइस। यहाँ गर्मी है, देख रहे हो डेडिकेशन। नॉर्मली जब आप अपनी जैकेट ले लोगे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, और एक्चुअली आपको आदत पड़ जाएगी। हो गया, ये तो कुछ ही ना रहा। नाउ फर्स्ट लेट मी सिट। और एक अच्छी राइडिंग जैकेट में आपको ये सब चीज़ें देखनी है। अगर आप एक बिगिनर हो तो ऑलवेज चूज कि आपको आपकी एल्बो और आपकी फोर आर्म के लिए प्रोटेक्शन मिले, जस्ट लाइक दिस, ताकि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट जब आप नीचे गिरो तो ये आपको प्रोटेक्ट करे। शोल्डर पे प्रोटेक्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑलवेज चूज जैकेट जिसमें आप शोल्डर पैड्स इंस्टॉल कर सको, अगर वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं है तो भी। एंड दीज आर D3O लेवल शोल्डर पैड जो कि एक्चुअली प्रोटेक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वेल बेटर देन नॉक्स। देन एक अच्छी राइडिंग जैकेट में आपको फ्रंट प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, एंड उसके लिए You can use these type of pads. Now, normally एक अच्छी जैकेट में ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आएंगे, बट इन केस इफ नहीं आते हैं देन यू कैन बाय। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ा सा पैड देख रहे हो, दिस इज फॉर योर बैक प्रोटेक्शन। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि आपकी बैक और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ऑलरेडी बॉलीवुड की काफ़ी फिल्मों ने आपको बता दिया है। आई डोंट थिंक आई नीड टू रिमाइंड यू ऑफ दीज, बट ये आपकी बैक प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ बिगिनर दीज आर ऑल द प्रोटेक्शन लेवल जो कि आपको अपनी राइडिंग जैकेट में देखने चाहिए। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पैंट्स। बट पैंट्स आर समथिंग दैट रिसर्च शोज कि आप स्किप भी कर सकते हो, बट जब आप इतनी सारी चीज़ें खरीद रहे हो तो पैंट्स भी ले लेना, बिकॉज मेरा मानना ये है कि यार एक बंदा जब 200,000 रुपये की बाइक खरीदने की औकात रखता है तो उसको अपने ऊपर और अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर ना 20,000 रुपये 30,000 रुपये खर्च कर लेने चाहिए, बिकॉज जान है तो जान है। नाउ लास्ट थिंग इज़ द राइडर पैंट। मैंने ये बोला है कि ये स्किपेबल है, आप स्किप कर सकते हो, बट हेयर आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपको फिर भी एक राइडिंग पैंट लेने का मन है तो चूज़ द वन विद द नी प्रोटेक्शन, बिकॉज इन अ क्रैश जब भी आप गिरोगे दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपका रोड पे हिट करेगा। सो या चूज दिस। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो हैव सम शिन प्रोटेक्शन, इसमें नहीं है, एंड सम प्रोटेक्शन ओवर दिस एरिया, एंड दैट्स इट।